आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एक प्रॉब्लम दिया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। यहां पे दिया है इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट a cos b - c / 2 इज इक्वल टू b + c sin a / 2। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो यहाँ पर दिया है cos of b - 2 या फिर sin a / 2, इसका वैल्यूज पता होना चाहिए, तो इसको हम प्लेस कर सकते हैं। तो पहले हमें जानना पड़ेगा यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे जब cos of b / 2 - c / 2, तो उस फॉर्म को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसा फॉर्म आ रहा है, cos of b - c / 2, इसको ब्रेक करेंगे तो b / 2 - c / 2, मतलब cos of x - y, ऐसा फॉर्म आ रहा है। तो cos x - y का फॉर्म होता है cos x cos y + sin x sin y, तो इसको भी ऐसे ब्रेक करेंगे। तो हम पहले LHS को ले लेते हैं। LHS में है a cos b - c / 2, तो a मल्टीप्लाइड बाई cos of, इसको ब्रेक कर दिया b / 2 - c / 2, तो हमें फॉर्मूला यहाँ पर यहाँ प्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा a cos of b / 2 मल्टीप्लाइड बाई cos of c / 2 + sin of b / 2 मल्टीप्लाइड बाई sin of c / 2। अब हमें यहाँ पर चार वैल्यूज यहाँ पर प्लेस करनी पड़ी, cos of b / 2, cos of c / 2, sin of b / 2, sin of c / 2। यहाँ पर जो b c हमने यहाँ पर लिया था, ये सब कुछ यहाँ पर एंगल की तरह है, और इसी एंगल्स को हमें चेंज करना पड़ेगा साइड्स की तरफ, मतलब स्मॉल ए बी सी की। तो यहाँ पर ए को मल्टीपल फॉर्म में लेते हैं, और यहाँ पर हमें जो वैल्यूज जो हमें फॉर्मूलाज यहाँ पर प्लेस करनी पड़ेगी वो हम राइट साइड में लिखते हैं। तो हमें पता है cos of b / 2 का वैल्यू होता है cos of b / 2 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी बाई सी ए। अब यहाँ पर एस जो हमने लिखा था ये है हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर का मतलब होता है एस इज इक्वल टू टू एस इज इक्वल टू एक्चुअली 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों जो साइड्स होता है उसका समेशन फॉर्म हमें 2s देता है। तो यहाँ पर s मत लिखा मतलब a प्लस बी बाई सी बाई 2, हाफ पेरीमीटर हो जाता है s। अब हमें क्या वैल्यू प्लेस करनी है, cos of c / 2, तो यहाँ पर cos of c / 2 का वैल्यू क्या होगा, cos of c / 2 इज s मल्टीप्लाइड बाई s माइनस सी बाई ए बी। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा रूट ओवर, अब इन दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, मतलब रूट के अंदर सब कुछ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2s है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक से लिख लेते हैं इसको, ये ए स्क्वायर हो गया, और इसके साथ एस माइनस बी एस माइनस सी मल्टीप्लाई होगा, एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी, और रूट के ही अंदर हमें क्या मिल रहा है सी ए और ए बी, मतलब बी सी ए स्क्वायर, ऐसा फॉर्म मिला, ये पूरा रूट के अंदर होगा। अब हमें साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू को प्लेस करना है, इसका भी फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पे फिर से लिखते हैं। साइन बी बाई टू का वैल्यूज होता है साइन बी बाई टू इज इक्वल टू रूट ओवर एस माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए बाई ए सी। सिमिलरली हम अगर साइन सी बाई टू को लिए तो हमें मिलेगा रूट ओवर एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी बाई ए बी, ऐसा फॉर्म होता है। तो यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो हम फिर से इसको अप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस, देख सकते एस माइनस ए यहाँ पर दोनों है तो एस माइनस ए कॉमन लेकर बाहर ले सकते, जो रूट के बाहर आ जाएगा तो हमें मिलेगा एस माइनस ए, और नीचे डिनोमिनेटर पर दोनों ए हैं तो ए बाहर आ जाएगा यहाँ पर भी। अब रूट के अंदर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, रूट के अंदर रहेगा एस माइनस सी एंड एस माइनस बी, एस माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी बाई रूट के ही अंदर, यहाँ पर ए बाहर लिया था क्योंकि दो ए मिला था, पर बी और सी का कोई यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर देख रहे थे कि ए दो बार मिला था पर बी और सी यूनिक नंबर्स ऑफ टाइम थे, तो बी और सी को रूट के ही अंदर रखेंगे और ए तो बाहर हमने ले लिया था। अब इसका थोड़ा सॉल्यूशन करना है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है, एस एन ए ये दोनों स्क्वायर की फॉर्म में है तो बाहर आ सकता है, तो हम इसको लिखेंगे ए मल्टीप्लाइड बाई एस बाई ए
और रूट के अंदर क्या हो रहा है, एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी बाई बी सी, और यहाँ पर भी एस माइनस ए बाई है, तो एस माइनस ए बाई ए, और रूट के ही अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी। अब देख सकते रूट का जो टर्म है दोनों के लिए सेम हो रहा है, तो उसको कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर मिला एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी बाई बी सी, और यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए के साथ एस बाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब एस मिला पहली बार, और ए के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एस माइनस ए, तो हमें मिला एस माइनस ए, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, टू एस माइनस ए। और हमने टू एस का वैल्यू क्या देखा था, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर टू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, और हम इसको डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हैं कि रूट ओवर ऑफ एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी बाई बी सी, ये वैल्यू होता है साइन ऑफ ए बाई टू। हम यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं अलग से कि साइन ए बाई टू इसका वैल्यू हो जाता है रूट ओवर ऑफ एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी बाई बी सी, ये साइन ए बाई टू का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर इसको चेंज करके हम साइन ए बाई टू को भी कर सकते हैं, साइन ए बाई टू हो गया ये, और इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में टू एस था, टू एस की जगह हम चेंज कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, तो ये आ गया बी प्लस सी, तो हमें मिला बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई साइन ए बाई टू। और हम देख सकते हैं राइट साइड पे यही दिया हुआ था बी प्लस सी साइन ए बाई टू, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।